ಬುದ್ಧ ವಂದನ. ಅರಹಂ ಸಮ್ಮಾ ಸಂಬುದ್ಧೋ ಭಗವಾಬುದ್ಧಂ ಭಗವಂತಂ ಅಭಿವಾದೇಮಿ. ಅರಹಂ ಸಮ್ಯಕ್ ಸಂಬುದ್ಧ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಅಭಿವಾದನ್ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ. ಸ್ವಾಖಾತೋ ಭಗವತಾ ಧಮ್ಮೋ ಧಮ್ಮಂ ನಮಸ್ಸಾಮಿ. ಬುದ್ಧ ದ್ವಾರಾ ಉಪದಿಷ್ಟ ಧಮ್ಮ ಕೋ ವಂದನ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ. ಸುಪತಿಪನ್ನೋ ಭಗವತೋ ಶಾವಕ ಸಂಘೋ ಸಂಘಂ ನಮಾಮಿ. ಬುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರತಿಪನ್ನ ಆರಿ ಶ್ರಾವಕ ಭಿಕ್ಷು ಸಂಘಕ್ಕೂ ವಂದನ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ. आज हम बौद्ध जगत में बुद्ध वंदना कैसे करते हैं, उसको पाली गाथा द्वारा वंदना करने के साथ हम उसके अर्थ भी जानेंगे. बुद्ध वंदना बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा और आस्था रखने वाले हर कोई करता है. हर बौद्ध जगत में ये बुद्ध वंदना करते ही है. देखा जाए तो ये पूजा भक्ति भाव लगता है, मगर बुद्ध वंदना करते समय जो बुद्ध वाणी पाली गाथा द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, उसमें तथागत भगवान बुद्ध के अनंत अनंत गुण समाविष्ट है. बुद्ध द्वारा देशित धम्म के अनंत अनंत गुण धम्म समावेश है. बुद्ध के अनुयायी श्रावक संघ के अनंत अनंत गुण धम्म समावेश है. वो सारे बुद्ध गुण, वो सारे धम्म गुण, वो सारे संघ गुण को स्मरण करके कम से कम थोड़ा ही क्यों ना हो अपने व्यवहार में भी पालन करने की कोशिश और खुद को अच्छे बनाने की कोशिश, ये बुद्ध वंदना है. बुद्ध वंदना के अंत में संकल्प गाथा भी लेते हैं. हम बुद्ध को, धम्म को, संघ को वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, मगर वास्तविक रूप में कैसे पूजा करते हैं? गाथा में आया हुआ है, इमाय धम्मान धम्म प्रतिपादया बुद्धं पूजेमि. धम्म अनुसार धम्म आचरण करके बुद्ध की पूजा करते हैं. धम्मं पूजेमि, धम्म अनुसार धम्म आचरण करते हुए धम्म की पूजा करते हैं. संघं पूजे में धम्म अनुसार धम्म के आचरण करते हुए संघ की पूजा करते हैं. और महत्वपूर्ण बात, जब तक सभी दुखों से मुक्त निर्वाण प्राप्त नहीं होगा, तब तक मूर्खों से संगति ना हो, सत्पुरुष विद्वानों से संगति हो, ये महत्वपूर्ण बात है. जीवन में मूर्खों से पाला पड़ा तो खुद के जीवन तो वो हानि करेगा करेगा, अपनों की भी खूब सारा हानि करता ही है. इसलिए ये मूर्खों की संगति नहीं करना चाहिए. सत्पुरुषों की संगति करने से जीवन में हमेशा
अच्छाई होगा, दान होगा, सील होगा, ध्यान भावना होगा। इसलिए हमेशा जीवन में सत्पुरुषों की संगत करना चाहिए। बुद्ध वंदना के विषय में खूब सारे धम्म देशना व्याख्यान चलता ही रहेगा। ज्यादा समय ना लेते हुए हम बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संग वंदना और उसके साथ ही साथ संकल्प गाथा, ये प्रार्थना और इसका अर्थ भी जानेंगे। आप लोगों को अगर बुद्ध वंदना सीखना है, खुद भी प्रार्थना करना है, या जो बौद्ध जगत में बुद्ध वंदना होता है इसका अर्थ जानना है, पहचानना है, तो आप लोगों के लिए ये सामग्री बहुत ही लाभदायी होगा। आइए बुद्ध वंदना और इसका अर्थ प्रारंभ करते हैं। साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उन भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्ध को नमस्कार करता हूँ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उन भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्ध को नमस्कार करता हूँ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उन भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्ध को नमस्कार करता हूँ। बुद्ध वंदना। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विचारचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो सारथि सत्ता देव मनुषानं बुद्धो भगवाति। वो भगवान बुद्ध अरहत है, आर्य सत्य ज्ञान लाभी है, विद्या और आचरण से युक्त है, सुंदर गति रूपी निर्वाण में पहुंचे हुए हैं, लोक के ज्ञाता है, अज्ञानी लोगों को सही रास्ते पे लाने वाले अद्वितीय सारथी समान है, देवताओं और मनुष्यों के शास्ता गुरु है, स्वयं बोध होके दूसरों को बोध कराने वाले बुद्ध है, सभी सर्वोत्तम ऐश्वर्यों से युक्त और सभी क्लेशों से मुक्त है। गौतम जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। मैं जीवन पर्यंत बुद्ध की शरण जाता। ये च बुद्धा अतीता च
ये च बुद्धा अनागता पच्चुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सपदा। पहले जितने भी बुद्ध हुए हैं, भविष्य में जितने भी बुद्ध होंगे और वर्तमान काल में जितने भी बुद्ध हैं, मैं उन सब की सदा वंदना करता हूँ। नाति मे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं वरं ये तेना साचा वचेना हो तुमे जय मंगलं। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, बुद्ध ही मेरा शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय मंगल। उत्तमंगे न वंदे हम पादपंसु वरुत्तमं बुद्धेयो खालितो दोषो बुद्धो खमतुतं ममं। मैं निर्मल चरित्र वाले बुद्ध के सिर झुकाकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश बुद्ध के प्रति मुझसे कोई पाप हो गया हो तो बुद्ध उसको क्षमा करे। यं किञ्चि रतनं लोके विजति विविधा भूतो रतनं बुद्ध समं नाति तस्मा सोते भवन्तु मे। इस लोक में जितने भी रत्न है उनमें बुद्ध रत्न के समान कोई भी नहीं है। इस सत्य वचन से मेरा कल्याण। यो सन्निसिन्नो वरबोधि मूले मारं ससेनं महतीं विजेत्वा सम्बोधिमागच्छि अनन्त ज्ञानो लोकोत्तमोतं प्रणमामि बुद्धं। जिन्होंने श्रेष्ठ वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ अवस्था में बैठकर महती सेना सहित मार को परास्त करके संबोधि प्राप्त किया था, उन अनंत ज्ञानी लोकोत्तम भगवान सम्यक संबुद्ध को मैं प्रणाम करता हूँ। साधु, साधु। धम्म वंदना। स्वाखातो भगवता धम्मो सान्दितिको अकालिको ये ही पासिको पनाइको पाचतं वेदितापो विन्यो हीति। आदि मध्य और अंत पर्यंत हित कर भगवान द्वारा देशित सु आख्या धम्म है।
दृष्टांत इसी जन्म में फल देने वाले धर्म है। ज्यादा समय ना गुजरते ही प्रत्यक्ष फल देने वाले धर्म है। आओ देखो और परख कर लेने योग्य धर्म है। निर्वाण तक पहुंचाने वाला धर्म है। विद्वान पुरुषों द्वारा स्वयं के अनुभव से जान बूझ कर लेने योग्य धर्म है। धम्मं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। मैं जीवन पर्यंत धम्म की शरण जाता। ये च धम्मा तेता च ये च धम्मा नागता पच्चुपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा। पहले जो बुद्धों द्वारा उपदिष्ट धम्म है, भविष्य में जो बुद्धों द्वारा उपदिष्ट धम्म होंगे तथा वर्तमान काल में जो बुद्धों द्वारा उपदिष्ट धम्म है, मैं उन सब की सदा वंदना करता हूँ। नति मे शरणं अन्यं हम्मो मे शरणं वरं येतेन सच्च वचेन होतु मे जयमंगलं। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, धम्म ही मेरा शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय मंगल हो। उत्तमंगे न वंदेहं हम्मं च दुविधं वरं हम्मेयो खलितो दोषो हम्मो खमतु तं मम। लौकिक लोकोत्तर दोनों से श्रेष्ठ धम्म की मैं नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। अगर अज्ञानवश धम्म के प्रति मुझसे कोई दोष हो गया हो तो धम्म उसे क्षमा यं किञ्चिरतनं लोके विजति विविधाभूतो रतनं धम्म समन्नति तस्मा सोति भवन्तु मे। इस लोक में जितने भी रत्न है उसमें धम्म रत्न के समान कोई भी रत्न नहीं है। इस सत्य वचन से मेरा कल्याण। अथांगिको अर्यपथो जनानं मोक्खापवेशाउचुको वमग्गो धम्मो अयं शान्तिकरो पनीतो नियानिको तं पनमामि धम्मं। ये जो आर्य जनों के उपयुक्त अष्टांगिक मार्ग है, ये जो मोक्ष प्राप्ति के लिए सीधा सरल रास्ता है, ये जो सर्वश्रेष्ठ शांतिदायक सत्तम है,
ये जो निर्वाण की ओर ले जाने वाला है, मैं उस सकदम को प्रणाम करता हूँ। साधु साधु साधु। संग वंदना सुपतिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपतिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संगो सामीचीपतिपन्नो भगवतो सावक संगो यदिदं चत्तारि पुरीशयुगानि अत्ता पुरीशपुग्गला येष भगवतो सावक संगो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेतं लोकसाति। भगवान बुद्ध का श्रावक संग सुंदर धर्म आचरण करने वाले हैं, सीधे मार्ग में जाने वाले हैं, न्याय मार्ग में जाने वाले हैं, गौरवपूर्ण धम्म में चलने वाले हैं। ये चार जोड़ी मार्ग और फल प्राप्त के रूप में आप पुरुष पुद्गल भगवान बुद्ध का श्रावक संग ऐसे है आह्वान करने योग्य, अतिथि बनाने योग्य, दान देने योग्य, हाथ जोड़कर प्रणाम करने योग्य है, लोक जन के पाप छे और पुण्य वृद्धि के लिए अलौकिक पुण्य क्षेत्र है। संगं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। मैं जीवन पर्यंत संग की शरण जाता हूँ। ये च संगातीता च ये च संगानागता पाच्चुपन्ना च ये संगा अहं वन्दामि सर्वदा। पहले जो बुद्ध के शिष्य संग हुए, भविष्य में जो बुद्ध का शिष्य संग होगा और वर्तमान काल में जो बुद्ध का शिष्य संग है, मैं उन सब की सदा वंदना करता हूँ। नाति मे शरणं अन्यं संगो मे शरणं वरं ये तेना साचा वचेना हो तुमे जया मंगलं। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल संग ही मेरा उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय मंगल। उत्तमंगे न वंदेहं संघं च दिवितुतमं
Sangheyo kalito doso Sangho kamatutang mamang मन, वाणी और कर्म से पवित्र संघ की मैं नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। अगर अज्ञानवश संघ के प्रति मुझसे कोई दोष हो गया हो तो संघ उसे क्षमा करे। यं किञ्चिरतनं लोके विजति विविधापुतो रतनं संगसमं नाति तस्मा सोति भवन्तु मे। इस लोक में जितने भी रत्न है उसमें संग रत्न के समान कोई भी रत्न नहीं है। इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो। संगो विशुद्धो वरदाक्षिणेयो शांतेन्द्रियो सब्बमलापहिनो गुने हिने के ही समेदि पातो अनासवोतं पनमामि संगं। ये जो विशुद्ध भिक्षु संघ है श्रेष्ठ है दक्षिणा देने योग्य है शांत इंद्रिय है समस्त मौलों से विमुक्त है अनेक निष्पाप गुणों से समृद्ध है और ये जो आश्रवहीन संघ है ऐसे भिक्षु संघ को मैं प्रणाम करता हूँ। संकल्प इमाय धम्मानु धम्म पतिपत्तिया बुद्धं पुजेमि। इस धम्म की धम्म आचरण से मैं बुद्ध की पूजा करता हूँ। इमाय धम्मानु धम्म पतिपत्तिया धम्मं पूजेमि। इस धम्म की धम्म आचरण से मैं धम्म की पूजा करता हूँ। इमाय धम्मानु धम्म पतिपत्तिया संघं पूजेमि। इस धम्म की धम्म आचरण से मैं संघ की पूजा करता हूँ। अद्दाय माय पतिपत्तिया जाति जरा मरणम् परिमोच्यसामि। निश्चय ही इस धम्माचरण से जन्म बुढ़ापा और मृत्यु से मुक्त हो जाऊं। इमिना पुण्यकम्मेना मामे बाला समागमो सतं समागमो होतु याव निब्बान पात्या। इस पुण्य कर्म से निर्वाण प्राप्त करने के समय तक कभी भी
मूर्खों से मेरी संगति न हो, सदा सत्पुरुषों की संगति हो। देवो वसतु कालेन सत्सम्पत्ति हेतु च भीतो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको। फसल की वृद्धि के लिए समय पर पानी बरसे, संसार के प्राणी उन्नति करे और राजा या देश के शासक धार्मिक हो। साधु 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 बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। तम्मं नमामि, तम को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।